हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवरात्र व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल साबूदाने के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हुए हैं, जिसको मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। हम यहाँ कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 चम्मच दही, बारीक कटा हुआ अदरक, 1 कटोरी मैंने साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भिगो दिया था। कुट्टू का आटा 4 चम्मच, हरी धनिया बारीक कटी हुई, काली मिर्च 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, सफ़ेद तिल 1 चम्मच, सेंधा नमक 1 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर चटनी बनाने के लिए फ्रेश नारियल, हरी मिर्च और भुनी हुई मूंगफली लिए हैं, इसको मैं चटनी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लूंगी। आप यहाँ पर उबले हुए आलू ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं। कच्चे आलू से स्वाद पकौड़ी में बहुत अच्छा आता है, कुरकुरी सी बन के तैयार होती है। तो आलू हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे भिगोया हुआ साबूदाना। लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए। दही डालेंगे। बारीक कटी हुई अदरक, अब डालेंगे काली मिर्च पाउडर, सफेद तिल डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी धनिया पत्ती। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। डालेंगे इसमें कट्टू का आटा, आप सिंघाड़े के आटे भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कट्टू के आटे लिए हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे नवरात्र व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमने किसी मसाले का यूज नहीं किया है। अगर हम व्रत के लिए नहीं बनाएंगे तो इसमें मसाले का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम छोटी छोटी पकौड़ियां तोड़ के डाल देंगे। हम पकौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम इसे सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ इजली फटाफट बना सकते हैं। तो हम पकौड़ियों को पलट देते हैं। तो पकौड़ियां हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं।
अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और हम बाकी सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने नारियल, मूंगफली और हरी मिर्च को डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे मिक्सर में, सेंधा नमक डाल देंगे और हम मिक्सर में इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। पकौड़ियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी करारी सी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।